रमास्ते की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आम का पन्ना। तो इस आम को हम भूनकर बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारे पास कच्चे आम है, चार आम है हमारे पास। आपको जितनी इच्छा हो, जितना आपको पन्ना बनाना हो उस हिसाब से आप आम ले सकते हैं। तो इसे हम भूनेंगे। तो हम आम को उठाएंगे और इसे बर्नर पर रखेंगे। इसे हमें गैस पर भूनना है। आप चाहे तो इसे कोयले की आग पर भून सकते हैं, कंडे की आग पर भून सकते हैं, उसमें बहुत आसानी से भून जाता है, लेकिन हम लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, तो इसे हम गैस पर भूनेंगे। तो हम गैस को ऑन कर लेते हैं और हमें मीडियम स्लो आँच पर इसे भून लेना है। तो आप चाहें तो दोनों बर्नर पर इसे रखेंगे और एक साथ दो दो आम हम भून लेंगे। तो हम एक साथ दो आम को भून लेते हैं। तो मैंने दो आम एक साथ रख दिया है बर्नर पर और इसे बराबर खिसकाते हुए इस तरीके से इसे हम भूनेंगे और बहुत जल्दी ये पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसका पन्ना पीने में बहुत टेस्टी लगता है, भुने हुए आम का पन्ना। तो इस तरीके से इसे हम घुमाते रहेंगे। अभी 5 मिनट के अंदर दोनों आम हमारे सिक जाएंगे और इसे भी हम बराबर इसी तरीके से खिसकाते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो हमें इसे बराबर खिसकाते हुए भून लेना है। तो आप देख सकते हैं आम हमारा अच्छी तरीके से भून रहा है। इसे हल्का सा टच करके देखेंगे तो ये दबना शुरू हो गया है और जो ऊपर का छिलका जल रहा है इसे कोई बात नहीं है, ये बाहर बाद में निकालने के बाद इसे निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो पहले इसे हमें बराबर घुमाते हुए पका लेना है। तो ये वाला आम हमारा पक चुका है। इसे मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसे थोड़ा सा हम और भून लेंगे। तो ये भी आम हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। इसे टच करके देखेंगे तो ये आसानी से दब रहा है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरीके से दो आम को हम और भून लेंगे। तो इसे भी भून लेते हैं। तो ये भी आम हमारे भून चुके हैं, इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं, हल्के से ठंडे हो जाएंगे, फिर इसे हम छीलेंगे। तो इसे हम छील लेते हैं, आम हमारे ठंडे हो गए हैं। तो चाकू से हल्के से इसे हम छील लेंगे और ऊपर का छिलका निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर चाकू से ना छीलें तो भी ये निकल जाएंगे। इस तरीके से इसे हम छील लेंगे। और इसी तरीके से सारे आम को हम छील लेंगे। तो आम को मैंने छील लिया है, अब इसे हम काट लेते हैं और इसका बीज निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसे हम ऊपर से काट लेंगे। तो मैंने आम के पल्प को निकाल दिया है और बीज इसका हम हटा देंगे। तो अब हम इसका पन्ना बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक मिक्सर जार लिया है और इसके अंदर आम को डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे पुदीने के पत्ते। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं पुदीने, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आम पन्ना में। और हमने लिया है 10 से 15 काली मिर्च और एक पिंच हींग, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आम पन्ना का, इसे भी ज़रूर डालें। और डालेंगे काला नमक, काला नमक से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, इसे हम ज़रूर डालेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। तो छोटा चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है और इसी चम्मच से आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे। भुना और पिसा हुआ जीरा डाल देंगे एक छोटा चम्मच और इनमें से जो आपको ना पसंद हो वो चीज़ आप हटा सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें डालेंगे तो पन्ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच पानी इसके अंदर हम डाल देंगे जिसे अच्छी तरीके से पिस जाए। और इसे हम पीस लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं आम का पल्प हमारा बहुत अच्छी तरीके से पिस चुका है। तो अब इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो हल्के से टुकड़े होते हैं वो पीने में बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे इसमें टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इसके अंदर हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे और इसे ग्राइंड करने से पहले इसके अंदर हम एक गिलास पानी भी डाल देंगे। अगर बाद में आवश्यकता होगी तो इसके अंदर हम और पानी डालेंगे। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। आइए इसे चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स करेंगे।
तो ये अभी काफ़ी गाढ़ा है। अगर आपको इसी तरीके से पसंद है तो ऐसे ही पी सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो आधा ग्लास पानी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और इस समय आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसके अंदर नमक कम है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपको मीठा पसंद है इसमें शक्कर डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते, इसलिए हमने इसके अंदर शक्कर नहीं डाला है। तो अगर आपको शक्कर पसंद है तो इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, या फिर अपने पसंद के अनुसार जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये कच्चे आम का पन्ना हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। तो इसे हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे। और हमारा बहुत ही टेस्टी भुने हुए कच्चे आम का पन्ना बनकर तैयार हो गया है। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से इस पन्ने को बनाइए तो आप बार बार बनाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।